मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के 80% संसाधनों का नेतृत्व करने वाले 20 देशों के समूह G20 का नेतृत्व प्राप्त किया। नेतृत्वकर्ता के रूप में अपना देश पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के बढ़ते नेतृत्व के साथ उसके कोरोना प्रबंधन मॉडल की भी सदैव चर्चा होती रहेगी। पूरी दुनिया जब कोरोना से त्रस्त थी, तब नागरिक हितों के प्रति अपनी ईमानदार प्रतिबद्धता का निर्वहन करते हुए भारत देश हित में नई नई योजनाएं बना रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा, इसी अवधि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित कर प्रधानमंत्री ने देश के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखा। यह शिक्षा नीति सर्वांगीण विकास का पथ प्रशस्त करती है। सभी शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़कर खुद को समाज व राष्ट्र के प्रति दायित्व के निर्वहन के लिए तैयार करें। सीएम योगी ने कहा कि देश को विश्व की नंबर एक तथा प्रदेश को देश में नंबर एक अर्थव्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, नागरिकों को भी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए योगदान देना होगा। इसके लिए कृषि, शिक्षा, प्रौद्योगिकी आदि सभी क्षेत्रों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा स्टार्टअप्स पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं। यह कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की भूमि सबसे उर्वर है, प्रचुर जल संसाधन, यहाँ की प्रगति को डबल डिजिट में लाकर अर्थव्यवस्था को और अच्छा बनाया जा सकता है। सीएम योगी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तथा पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का उदाहरण देकर विद्यार्थियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हार के बाद भी जो हार नहीं मानता वह नई प्रेरणा बन जाता है, इसलिए अच्छा स्थान ना पाने वालों को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने संस्थानों को सिर्फ शिक्षण तक ही सीमित न रहने तथा विद्यार्थियों से प्रतियोगी गतिविधियों में भी शामिल होने की अपील की। सीएम योगी ने विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन का महत्व समझाते हुए कहा कि अनुशासनहीन व्यक्ति का जीवन पेंडुलम की भांति होता है। अनुशासन की महत्ता को समझते हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह का शुभारंभ अनुशासन पर्व से होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ने उस कालखंड में की जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। कई लोगों के मन में यह सवाल था कि आजादी मिलेगी भी या नहीं, पर एक सन्यासी, एक योगी कभी नकारात्मक भाव के साथ नहीं रहता, पुरुषार्थ व कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए परिणाम की चिंता नहीं करता। 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की रूपरेखा आजादी की लड़ाई और आजाद भारत 8 जरूरतों के अनुरूप बनाई गई। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ने परिषद की स्थापना विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ शौर्य एवं पराक्रम के प्रतिमान महाराणा प्रताप के नाम पर की थी। लक्ष्य था आजाद भारत और माध्यम था महाराणा प्रताप का शौर्य व पराक्रम। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि वर्तमान समय में अपना देश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। अगले 1 दशक में यह प्रगति देश को कई क्षेत्रों में विश्व स्तर पर अग्रणी बनाएगी। देश की इस प्रगति गाथा में उत्तर प्रदेश का अहम योगदान होगा। श्री भदौरिया ने कहा कि अगले 5 साल में देश के लिए $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन का योगदान देने का लक्ष्य रखा है। देश के लक्ष्य का 1/5 उत्तर प्रदेश ही पूरा करेगा, तो सोचिए यहाँ हर क्षेत्र में कितना बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था के सभी भागों में तेजी से काम हुआ है। बदलाव के इस वातावरण से छात्रों को भी कई क्षेत्रों में अवसर मिलेंगे। उन्हें जरूरत है लगन व परिश्रम से इस वातावरण का फायदा उठाकर अपने व्यक्तित्व का विकास करने की। पूर्व एयर चीफ मार्शल ने कहा कि वर्तमान दौर में भारत महान शक्ति के रूप में उभर रहा है और कई क्षेत्रों में लीडर की भूमिका में आ चुका है। कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा स्टार्टअप्स पर जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर समग्र विकास का इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के अभियान के तहत कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
अत्याधुनिक फाइटर क्राफ्ट बनाने का काम चल रहा है। तो नेवी में अपने देश में बने एयरक्राफ्ट इंडक्ट हो चुके हैं। जल्द ही तीनों सेनाओं की जरूरतें देश में ही पूरी होगी। श्री भदौरिया ने कहा कि वह अपनी सेवा के दौरान 4 वर्ष तक गोरखपुर स्थित वायुसेना केंद्र में कार्य कर चुके हैं। यहाँ आने पर दिख रहे बदलाव से आश्चर्यचकित हैं। सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के शैक्षिक जागरण में 90 वर्ष पूर्व महंत दिग्विजयनाथ की सूझबूझ से स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का अनमोल योगदान है। यहाँ ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के साथ व्यक्तित्व विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की इस बात के लिए सराहना की कि इसकी शिक्षण संस्थाएं विद्यार्थियों में राष्ट्र व समाज के प्रति चेतना का भाव भी जगा रही है। संस्थापक समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम में स्वागत संबोधन में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह ने परिषद की प्रगति यात्रा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विमर्श पत्रिका का विमोचन भी किया गया। शुभारंभ अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा की सलामी पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने ली। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन शुक्ल, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया की धर्मपत्नी श्रीमती आशा भदौरिया, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, श्री राम चौहान, प्रदीप शुक्ला, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारी व सदस्य परिषद से जुड़ी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व विद्यार्थियों की सहभागिता रही। आभार ज्ञापन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण सिंह ने किया। और उनके साथ आज के हमारे अत्यंत सम्माननीय और मुख्य अतिथि एक्स एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, पूर्व थल वायुसेना अध्यक्ष, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सम्मान के प्रतीक केसरिया साफे में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के ध्वज का ध्वजारोहण और राष्ट्रभूत पीएससी बैंड द्वारा सभी सम्मानित अतिथि खड़े हो जाएं। हमारे पूज्य महाराज स्वाधीनता से बैठ जाएं, सभी छात्र छात्राएं बैठ जाएं। सम्माननीय अतिथिगण, सर्वप्रथम माँ सरस्वती महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ हिंदू आश्रम महाराणा प्रताप ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी महाराज, राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के जिंदा है। बिना जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। आप हिंदू सूर्य गुरु श्री गोरक्षनाथ और अपने संत इस राष्ट्र के लिए राष्ट्रवादी शिक्षा के प्रेरणा स्रोत ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के चित्रों पर पुष्पांजलि। आज के हमारे मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल और एडीसी जैसे पदों से अलंकृत मंच पर सभी सम्माननीय अतिथि, साथ में राष्ट्रपति जी, आदरणीय श्री चौधरी प्रमोद कुमार जी, वाइस चांसलर मेजर अतुल वाजपेयी जी, हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर जय प्रताप सिंह जी और साथ में श्रीमती आशा भदौरिया एयरफोर्स ऑफिसर और हमारे जाबाज वायुसेना प्रमुख रहे एयर चीफ मार्शल आपका गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा और सम्मान का प्रतीक उत्तरी प्रदान कर स्वागत अभिनंदन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की 4 दर्जन से अधिक संस्थाओं की ओर से बहुत ही आह्लादित करने वाला क्षण और स्मृत ग्रंथ अपने पूज्य संत नई दिल्ली से चलकर यहाँ पधारी है श्रीमती आशा भदौरिया जी, आपको उत्तरी के द्वारा सुश्री कृष्णा चटर्जी
द्वारा सम्मान किया व्यक्त महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की मातृशक्ति के द्वारा मातृशक्ति का अभिनंदन द्वारा भैया अवसर पर शोभा यात्रा के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। एम्बुलेंस की गाड़ी के साथ साथ पीएससी बैंड पारंपरिक पीएससी बैंड आगे मत आइए भाई, सलामी देता हुआ अपने मुख्य अतिथि को पीएससी का बैंड सबसे आगे अपने मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की गोरखपुर श्री सीताराम जायसवाल जी महापौर गोरखपुर माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ला जी पूर्व वित्त राज्य मंत्री मेजर जनरल अतुल वाजपेयी कुलपति महायोगी गोरखनाथ महाविश्वविद्यालय श्री चौधरी प्रमोद कुमार सदस्य महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद माननीय डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी सांसद श्री रविंद्र दास जी महाराज मंच पे उपस्थित सभी विधायकगण और परिषद के सदस्य सभी महानुभव कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभव देवियों सज्जनों मीडिया जगत के दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रोफेसर यूपी सिंह जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे और आशा को यहां पे आमंत्रित किया। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह के इस उद्घाटन समारोह में और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आभार प्रकट करने का कारण इसलिए भी है क्योंकि गोरखपुर से हमारा नाता बहुत पुराना और हमारा लगाव रहा है। वायुसेना में कार्य करते समय मैंने 4 साल गोरखपुर में बिताए और वो हमारे कैरियर के बहुत अहम फेज में थे एज फाइटर पायलट फ्लाइट कमांडर स्टेज में जो यहाँ पर रहकर मैंने वायुसेना देश के लिए योगदान दिया और कई उपलब्धियां यहाँ हासिल हुई। उस समय तो ज्यादातर ध्यान वायुसेना और सुरक्षा की तरफ था, बाहर शिक्षा के क्षेत्र में और परिषद के कार्यक्रमों में इतना इंटरेक्शन या ध्यान नहीं हुआ। पर कई वर्षों बाद जब हम कल गोरखपुर पहुंचे तो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित हम दोनों हुए गोरखपुर के में इस बदलाव को देखकर और कितनी प्रगति हुई है उसको देखकर। और इस प्रगति में सबसे बड़ा आई थिंक एक जो स्तंभ है और एक एरिया है वो है शिक्षा का क्षेत्र। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है और युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की सूझबूझ उनके समाज और देश के प्रति लगन की एक फल है कि आज से 90 साल पहले और आजादी से 15 साल पहले उन्होंने इस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और इसी जगह पहले महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज बना। जब वो निकल महाराज निकल जाए शिक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र निर्माण का एक सबसे बड़ा माध्यम है और एक सबसे बड़ा स्तंभ है। इसे 1932 में इस परिषद की स्थापना अपने आप में एक अद्भुत राष्ट्रीयता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। पिछले 90 सालों में परिषद के शिक्षण और प्रशिक्षण के संस्थानों की निरंतर वृद्धि और विस्तार
ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में शैक्षिक जागरण के क्षेत्र में एक अनमोल योगदान दिया है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज इन संस्थानों से जुड़े लगभग 50 ऐसे संस्थाएं, ऐसे शिक्षक और प्रशिक्षण संस्थाएं हैं जो कि 30,000 से अधिक बच्चों को शिक्षक और काबिल बना रहे हैं। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई जब पिछले हफ्ते से मैंने इस परिषद के संस्थानों के करीब से देखा, उसके बारे में पढ़ाई की, उसके बारे में जाना और इस सब कार्यक्रम का पूरा प्लान देखकर सबसे अधिक खुशी मुझे इस बात की हुई कि यहाँ न केवल ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है बल्कि एक संपूर्ण समग्र व्यक्तित्व का विकास की ओर जोर दिया जा रहा है जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियां, खेलकूद, भाषण, विवाद, ये सब तरह की गतिविधियां एक अहम कदम है। और इस हफ्ते का कार्यक्रम जो जिसका उद्घाटन है उसका एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि किस तरह इन सब गतिविधियों पर जोर देके इसकी अंत में प्रतियोगिता होती है। इसलिए मैं सभी छात्रों को बताना चाहूंगा कि आप सब कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसे माहौल में और ऐसे संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी एक मजबूत नींव यहां बन रही है जो न केवल आपके ज्ञान का विस्तार करेगी, आपको काबिल बनाएगी बल्कि हर क्षेत्र में, चाहे वो आत्मविश्वास हो, आत्मसम्मान हो और सबसे ज्यादा जरूरी राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और समाज के प्रति कर्तव्य की चेतना जो ये संस्थाएं आप में जगा रही है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आप सब छात्रों से शेयर करना चाहूंगा कि आज देश, आज हम कहां हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। आज भारत हर क्षेत्र में प्रगति और उन्नति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और पूरे विश्व में भारत एक नई पहचान के साथ और एक नई महान शक्ति की तरह उभर रहा है। और बहुत सारे क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां हम एक लीडर की तरह पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। देश के हर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और एक बहुत तेजी से काम हो रहा है एंड आत्मनिर्भर हर क्षेत्र में बनने के लिए बहुत सारे स्ट्रॉन्ग और अहम कदम उठाए गए हैं। इसका सारा फल और नतीजा हर क्षेत्र में दिखने को मिलेगा बट कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें ये आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए देश में बहुत सारे रूल्स बदले गए हैं और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि हमारा देश एक मैन्युफैक्चरिंग देश के तरह तरक्की करे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अवकाश प्राप्त एयर चीफ मार्शल आर के सिंह भदौरिया जी, उनके साथ हरमणि श्रीमती आशा भदौरिया जी, महाप्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिवप्रताप शुक्ल जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री फतेमापुर सिंह जी,
श्री श्री राम चौहान जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारीगण, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए सभी आचार्य प्रधानाचार्य शिक्षक और छात्र छात्राएं, बहुत दूर प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के अवसर पर मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रति हृदय से बधाई देते हुए उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि अवकाश प्राप्त एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया जी को हृदय से स्वागत करता हूँ। हम सब जानते हैं कि 1935 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण की दृष्टि सुयोग्य नागरिकों की एक अच्छी टीम खड़ी की जा सके इस दृष्टि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। उद्देश्य स्पष्ट थे, एक कालखंड था जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय बहुत सारे लोगों के मन में था कि पता नहीं देश आजाद होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक सन्यासी एक योगी कभी भी नकारात्मक भाव के साथ नहीं रहता, वो हमेशा एक सकारात्मक भाव के साथ चलता है कि मेरा कार्य पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी, और इस भाव से किया गया कोई भी प्रयास किया गया कोई कर्म निश्चित ही सफलता दिलाती है। 1935 में तो एक छोटा सा पौधा शैक्षिक पुनर्जागरण के लिए उन्होंने स्थापित किया था, ठीक 15 वर्ष के बाद देश आजाद होता है और आजाद भारत की दृष्टि से भी उन्होंने उसी समय अपनी रूपरेखा भी प्रारंभ कर दी थी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज 4 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर शैक्षिक पुनर्जागरण का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। हर व्यक्ति जानता है कि जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हुई होगी उस समय महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने शिक्षा परिषद की स्थापना मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ उस समय भारत की स्वाधीनता के बिगुल को बजाने वाले शौर्य और पराक्रम के प्रतीक महाराणा प्रताप का के नाम पर उन्होंने शिक्षा परिषद की स्थापना की। पहली संस्था की स्थापना महाराणा प्रताप के नाम पर ही की, क्योंकि सामने हमें जिस लड़ाई को देश को लड़ना है उनके सामने उद्देश्य भी स्पष्ट हो और उद्देश्य की प्राप्ति का एक माध्यम भी होना चाहिए, माध्यम है महाराणा प्रताप का शौर्य पराक्रम। लक्ष्य था देश स्वतंत्र होगा और स्वतंत्र भारत में राष्ट्रभक्त नागरिकों की
एक लंबी फौज खड़ी हो, क्योंकि राष्ट्रभक्त नागरिक ही अपने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। और उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, आज हमें प्रसन्नता है कि महाप्रताप शिक्षा परिषद अपनी सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की मदद से एक धार्मिक, एक शैक्षणिक, एक सांस्कृतिक संस्था के द्वारा जो भी कार्य राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए किया जाना चाहिए, उस दिशा में अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहा है। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास का मतलब केवल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने पाठ्यक्रम के पर भी उन सभी गतिविधियों का हिस्सा बनना जो हमें भविष्य की चुनौतियों के प्रति सदैव एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश हम सबके सामने प्रस्तुत कर सके। और इसीलिए महाप्रताप शिक्षा परिषद प्रतिवर्ष 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच अपना संस्थापक सप्ताह का इस समारोह आयोजित करता है। इसमें महाप्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के साथ ही महानगर जनपद और आसपास के अन्य जनपदों से जुड़ी हुई शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं भी भागीदार बनती है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं इसमें शामिल की जाती है, विभिन्न कार्यक्रम इसके साथ जुड़े जाते हैं, खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती है, भाषण की होती है, गायन की होती है, और इसकी शुरुआत होती है अनुशासन से। हम सब जानते हैं कि अनुशासन अगर व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। अनुशासनहीन व्यक्ति नागरिक या अनुशासनहीन छात्र की स्थिति वैसे होती है जैसे पेंडुलम होता है, उसकी कोई गति नहीं होती, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। ऐसे ही कभी भी हमें अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखना होगा कि आज महाप्रताप शिक्षा परिषद का जो कार्यक्रम प्रारंभ होता है, इस अनुशासन पर्व से आगे बढ़कर के फिर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के साथ आगे बढ़कर के और मुख्य समारोह के साथ 10 दिसंबर को फिर उसका समारोह होता है। यह अनुशासन जिसने उन सभी संस्थाओं को जो अपने संस्था से जुड़ी हुई यूनिफॉर्म के साथ ही अपने व्यवस्थित अनुशासन के लिए जानी जाती है, उनको भी पुरस्कृत किया जाता है और साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भागीदार बनने वाली टीम को, पुरस्कार प्राप्त करने वाली टीम को भी यहाँ पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम मुख्य समारोह के अवसर पर होता है। आज हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ चुका है। देश वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सबके लिए कि जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा करके दुनिया के सामने अनेक प्रतिमान स्थापित कर रहा है और उन स्थितियों में भारत के 135 करोड़ की आबादी के लिए से बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि जो ब्रिटेन भारत पर 200 वर्षों तक लगभग 200 वर्षों तक इसने शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। जिस दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा आज इसका प्रमाण है। अगर हम चाहें तो अपने देश को, अपने समाज को कहां से कहां तक की यात्रा पहुंचा सकते हैं। आपने देखा होगा 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के उन 20 बड़े देशों का जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, G20 के देशों का नेतृत्व का अगले एक वर्ष का दायित्व उन्होंने संभाला है।
ये वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का और भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में अब दुनिया को भी मार्गदर्शन करेगा उस भूमिका के रूप में आज भारत दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक रूप से जब भारत का नेतृत्व भारत को उस दिशा में आगे बढ़ा रहा होगा उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। एक कोरोना कालखंड में भारत का मॉडल आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कोरोना कालखंड में जिसको जो दुनिया के लिए यूनिक थी, दुनिया के लिए प्रेरणादायी थी। महामारी के दौरान भी अपने नागरिकों के हितों के संरक्षण के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य करना सकता है, यह उदाहरण देखने लायक था। और दूसरा, भारत ने इस दौरान जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त थी तब भारत अपने आप नई योजनाएं बना रहा था और उसमें भी किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण न्यू हो सकती है और शिक्षा है। और शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषित करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने एक बड़ा लक्ष्य भी रखा है और इस अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सबको सर्वांगीण विकास के अनेक पथ मार्ग प्रशस्त करती है और उस मार्ग का अनुसरण करते हुए उसको अपनी संस्थाओं में लागू करते हुए उससे जुड़े हुए प्रत्येक कार्यक्रम को पाठ बनते हुए हम स्वयं के लिए भी और समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। व्यक्ति का जीवन सुशील भी बन सकता है जो केवल अपने तक सीमित न रहे बल्कि अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को भी देखे और उसको समझने के साथ साथ ईमानदारी पूर्वक उनके निर्वहन के लिए अपने आप को तैयार करें। आपने भी यहां पे मुख्य अतिथि अवकाश प्राप्त एयर चीफ मार्शल श्री भदौरिया जी की महत्वपूर्ण उद्बोधन को सुना। एक सामान्य आपकी तरह एक सामान्य परिवार में उन्होंने भी जन्म लिया, उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, लेकिन भारत की वायुसेना के चीफ से अवकाश ग्रहण करने के बाद इस समय उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का वह निर्माण कर रहे हैं। आप भी उस दिशा में अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो उन्होंने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में कहा कि हमें अगर भारत की अर्थव्यवस्था को देश दुनिया की नंबर एक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है, एक केवल देश के नेतृत्व का ही दायित्व नहीं है, एक केवल राज्य सरकार का ही काम नहीं है, हर नागरिक का दायित्व बनता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ही स्टार्टअप की स्थापना केवल आईटी और आईटीएमएस में ही नहीं हो सकता है बल्कि यह विस्तृत क्षेत्र है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और हर एक क्षेत्र में अगर हम इस कार्य को आगे बढ़ा करके प्रयास प्रारंभ करेंगे तो न केवल अपने स्तर पर हमारा युवा केवल जॉब के लिए भटकता हुआ नहीं दिखाई देगा बल्कि जॉब देने वाला बनता हुआ दिखाई देगा और उस दिशा में हमारे युवा को अपने आप को तैयार करना होगा। उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में जहां पर बहुत बड़ी संभावना है जो कृषि प्रधान प्रदेश है, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है जिसमें हम लोग बहुत सारे जल संसाधन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, एग्रीकल्चर के फील्ड में हम बहुत कुछ प्रगति कर सकते हैं, अपनी प्रगति को डबल डिजिट में पहुंचा करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अच्छा बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो शिक्षाविद हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनकी समाज के प्रति दायित्वों के बारे में भी अगर वे अपने केवल अपने को अपने शिक्षण संस्थान तक ही सीमित रख करके बल्कि उन सभी दायित्वों के साथ भी जोड़ते हुए दिखाई देंगे
उसके बहुत सार्थक परिणाम आएंगे। और मुझे विश्वास है कि 1932 में जिस शिक्षण संस्था की स्थापना महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने की थी, जिसे आज 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अगले 10 वर्ष के अंदर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने स्थापना की शताब्दी वर्ष भी मनाएगा, अभी से रूपरेखा तैयार होगा। ऐसे महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने किन परिस्थितियों में यहाँ पर इस संस्थान की स्थापना की होगी और कैसे ब्रह्मीन वृक्ष पीठाधीश्वर महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने इसे पंडित और पुष्पित करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया। समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है, बालिका शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है, तकनीकी शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के संस्थानों के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है और उस स्पष्टता के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं के ऊपर एक गुरुतर अहंकार बनता है कि अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की अगले एक सप्ताह के अंदर चलने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं पूरी निष्पक्ष तरीके के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ उसके परिणाम सामने आने चाहिए। प्रतियोगिताएं जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन जो किन्हीं कारणों से अच्छा स्थान नहीं प्राप्त कर पाया है उसको भी प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि उसने किस भाव के साथ उसने भागीदारी की है और वह आप सबके सामने है। आरकेएस भदौरिया जी तो फाइटर पायलट से उन्होंने अपनी सर्विस सेवा की और अपनी सेवा शुरू की और एयर चीफ मार्शल जैसे प्रतिष्ठित पद पर आकर के देश की उन्होंने अमूल्य सेवा की। देश की आज की जो पांचवी पीढ़ी के जो ईमान आए हैं देश के सामने उसमें से उन्होंने उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन भाइयों बहनों आप याद करिए कि इस देश के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हर व्यक्ति स्मरण करता है, उनके प्रति अपार सम्मान का भाव रखता है। वो फाइटर पायलट बनना चाहते थे, असफल हुए लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अंत में भारत की उन्होंने भारत में जो प्रतिष्ठा प्राप्त की, मुझे लगता है व्यक्ति जब हार के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारता है, निरंतर प्रयास करता है, तो वह भी उस पेड़ में लोगों के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। और मुझे लगता है कि जो टीमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको अपने प्रदर्शन को और अच्छा करना है, जो किन्हीं कारणों से अच्छा प्रदर्शन करने से चूके हुए और अच्छा प्रयास करें उससे सफलता प्राप्त होगी, एक समय उन्हें उससे सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन परिणाम पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके के साथ आना चाहिए, कोई भेदभाव किसी भी छात्र छात्रा के साथ न हो, इसके बारे में जरूर विचार करेंगे, इसमें जरूर इस पर अवश्य पूरी ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। और दूसरा, प्रत्येक कार्यक्रम में आपको अनुशासन दिखाना चाहिए और समय के प्रति आपकी समयबद्धता, स्वच्छता के प्रति आग्रही बनना, कहीं गंदगी न हो, अव्यवस्था न हो, आपके कारण किसी को ठेस न पहुंचे, कहीं भी कोई अव्यवस्था की स्थिति न पैदा हो। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय इसलिए भी है, आज 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर को रविवार के दिन आप इतनी बड़ी संख्या में सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राएं उपस्थित हुई हैं, उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम में सहभागी बन रही हैं, कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, जितने लोगों को बुलाया जा रहा है उससे अच्छी संख्या में आकर के एक नया उत्साह का प्रदर्शित करता है। और आज गीता जयंती का भी दिन है तो स्वाभाविक रूप से श्रीमद् भगवद गीता हमें कर्म की प्रेरणा देता है, निष्काम कर्म की प्रेरणा देता है और कर्मणि वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, इस भाव को अपने जीवन में सदैव धारण करते हुए हम निरंतर
अपने कार्य क्षेत्र में संपूर्ण जानकारी लेकर आगे बढ़ते जाएं, इस विश्वास के साथ मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों के प्रति नमन करते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।